how many of you know about financial education or financial literacy? So aaj ka hamara lecture is all about financial literacy, what financial literacy exactly is. And financial literacy hamare India mein kyun requirement hai? Kyun youngsters ko iske bare mein pata hona chahiye? Right? Abhi recently hua tha survey. So the survey mein what they said is, if you are earning 30,000 and say your savings are 15,000, जब आपकी सैलरी 60,000 हो जाएगी तो इवेंचुअली तो ये होना चाहिए ना कि जब 30,000 या 15,000 सैलरी आपका 15,000 एक्सपेंस है, आपको 60 में से 45 बचना चाहिए. या चलो अगर हम रेशो में मान लें कि आपके एक्सपेंसेस भी डबल हो गए तब भी आपको 30 बचना चाहिए. पीपल वर एबल टू सेव ओनली 22,000. जब उनकी सैलरी 30 से 60 हुई, सेविंग 15 से 22 हो गए, खर्चे इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं. राइट? सो दैट्स द केस सिनेरियो. तो I'm not restricted to stock markets, real estate, gold. मैं तो जिसमें पैसे बनते हैं उसमें पैसे लगाता हूँ. मैंने पिछले चार साल बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करा है स्टॉक मार्केट में. अब मेरा बहुत छोटा पोर्टफोलियो है स्टॉक मार्केट में, मुश्किल से 5-6 लाख ही होगा. बाकी सारा का सारा है मूव टू अदर एसेट्स, मेजरली क्रिप्टो करेंसीज एंड गोल्ड. गोल्ड मैंने 28,000 पे, 32,000 पे, 35,000 पे खरीदा था. तो अगर आप मेरे पुराने देखें, नो, I think I always short the bank. Yeah. I said that I shorted this bank. I don't believe in with this banking system. This is philosophically flawed. Yeah. Exactly. So yeah, that I guess was misinterpreted by are you clear with this one? Yes. It's trading easy, even if I do important success in case of trading, may success rate is failure rate is 80%. 80% of people fail in first year itself. So be very, very cautious when you are opting for trading. Right? Baki sab ke marathon ki 70% hai, real estate sales 86% hai, college enrollment 33% hai, restaurant 28%, teaching ki 30%. अब सबको रीजन, अब तो रीजन नहीं रहेगा. हैव यू हर्ड द ब्रीच एलिगेशन अगेंस्ट एफबी जो हुए थे? क्या था वो? कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैम. कितने लोग जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ था उसमें? एक्जेक्टली कोई भी एक आंसर देगा? या फेसबुक वाज सेलिंग द यूजर डेटा टू द कैम्ब्रिज एनालिटिका. एक्जेक्टली. और कैंपेन भी हो रहे थे फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे उसी डेटा के साथ. तो उस डेटा में क्या था कि वो आपको मैप कर सकते थे और आपको बिलीव करवा सकते थे किसी भी एक चीज में करने के लिए, विद ऑल द एसेट्स एंड ऑल थिंग. और द केस वाज द ट्रंप करेंगे, राइट? जो एलिगेशन है इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मुझे आपको यकीन दिलाना है कि सपोजिटली अगर मैं सपोजिटली आप समझ लीजिए मैं राम कहना तो गलत होगा, मैं कृष्ण भगत हूँ, राइट? तो अगर मैं कृष्ण भगत हूँ और मुझे आपको यकीन दिलाना है कि आप या आप कृष्ण, मैं कृष्ण में बहुत मानता हूँ, तो व्हाट दे विल डू इज कि दे नो विद माय डेटा कि मैं कृष्ण में बहुत मानता हूँ. मैंने कोई पेज लाइक करा होगा, कोई वीडियो देखी होगी, और वो मुझे क्या करेंगे, वो मुझे ऐसी फोटो दिखाएंगे जिसमें मेरे पर्टिकुलर कोई भी एक लीडर कृष्ण की पूजा करें, फॉर एग्जाम्पल ट्रंप. तो मुझे लगेगा अच्छा आई एम रिलेटिंग विद इट और मेरा एक बॉन्ड बन जाएगा उसके साथ. तो इस तरह से उन्होंने बहुत माइक्रो लेवल पे मैपिंग करी थी हर बंदे की और उनके साथ हो गया था. तो आज डेटा इज द न्यू ऑयल. ये तो सुना होगा, डेटा इज द न्यू. क्यों कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल? बिकॉज हम मासेस को रूल कर सकते हैं. वी कैन मेक देम बिलीव इन टू एनी थिंग इफ वी हैव डेटा. वी कैन मैनिपुलेट अ मार्केट. क्रिप्टोकरेंसी है क्या? पहले इससे आ जाते हैं. तो व्हाट इज बिटकॉइन? कितने लोगों को पता है? कितना पता है? सुना तो पक्का होगा. या प्लीज या इट्स अ डिजिटल करेंसी. ओके. और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ऑल यू नीड इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर व्हिच ओनली सॉल्व्स प्रॉब्लम्स. आई एम नॉट रियली श्योर बट आई थिंक सॉल्व प्रॉब्लम फ्रॉम वेयर इट जनरेट्स मनी. ओके. और एनीवन? It's not a currency. Because currency क्या है?
करेंसी समथिंग जिसकी कुछ इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती। आपके जेब में कुछ 10 रुपए का, 100 रुपए का, 2000 का, तो मेरा 500 या 2000 का नोट है जो भी, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आई ओ टू पे द बेयर, और नीचे साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको वादा देता हूँ कि मैं आपको 20 रुपए दे दूंगा या 100 रुपए दे दूंगा या 500 रुपए दे दूंगा, राइट। ऐसा क्यों, क्या वो प्रिटी फिर नहीं है? वो एक प्रोमिसरी नोट है, दैट इज द करेंसी। 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिए गए हुए थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले जो गोल्ड था, जो यूएस ट्रेजरी थी, वो गोल्ड वो करेंसी इशू करती थी, किसके बेसिस पर? गोल्ड के बेसिस पर, क्योंकि वह जितना गोल्ड पड़ा था आप कभी भी उतने वर्ष का गोल्ड ले सकते, अगर $20 था $20 वर्ष का गोल्ड ले सकते थे ट्रेजरी से जाकर कभी भी। 1971 में उन्होंने वो हटा दिया, तो फिएट करेंसी बन गई, मतलब फिएट मतलब खाली, राइट। तो फिएट करेंसी में क्या हुआ, क्योंकि कुछ भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, दे आर जस्ट बीइंग सर्कुलेटेड एंड प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट, और हम गवर्नमेंट पे यकीन करें। वेनेजुएला में फिएट करेंसी का हुआ बर्थ, हुआ जिम्बाब्वे में हुआ, जिम्बाब्वे का सुना होगा आप सबने। यू कैन नोट नोट डाउन दिस नेम एंड यू कैन स्टडी अबाउट, आप इनकी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन इज समथिंग विच, जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। जो प्राइसेस का बढ़ना या बाइंग पावर ऑफ करेंसी का गिरना आर आउटकम, सिंपल है वो। ये बात समझ पा रहे हैं कितने लोग, समझ पा रहे हैं कि आउटकम है वो। अगर आपकी बाइंग प्राइस गिर गई या प्राइसेस बढ़ गए चीजों के, तो वो आउटकम है, राइट। क्रिप्टो करेंसी सॉल्यूशन टू पॉवर्टी, पॉवर्टी का सॉल्यूशन क्यों है? पॉवर्टी का सॉल्यूशन इस तरह से है, प्रॉब्लम इज के सपोजिटली हम 4 लोग हैं रूम में, ठीक है, आप और सबके पास 100 रुपीज है, एवरीवन इज इक्वली रिच, है ना, बट मार्केट में नया 400 रुपीज आया और किसी एक बंदे ने रख लिया, तो नाउ ही है 500 और बाकी सबके पास भी 100 है, बट अब हम कंपैरेटिवली पुअर है, रिच एंड पुअर इज अ कंपैरेटिव फैक्टर ना, कोई बिजनेस की क्वालिटेटिव तो हम है नहीं, क्वांटिटी तो है नहीं, क्वालिटेटिव है ना कि आप कितनों में रिच हैं, है ना, आपका पैरल आपके साथ वाले के पास आपसे ज्यादा पैसे देने और पुअर देने और वो तीस रिचर देने, राइट। तो जो पॉवर्टी है वो कैसे कम कैसे बनती है, कि सबके पास 100 रुपीज है स्टार्टिंग में, नए 400 रुपीज आए वो एक ही बंदे ने रख लिए, तो नाउ ये 500 तो ही इज रिचर, फिर 200 और है दूसरे बंदे ने रख लिए, तो अब डिवाइड बन गया, पहले के पास 500, दूसरे के पास 300, नीचे वाले दो के पास 100, तो नीचे वाले दो ने क्या गलत किया, कुछ भी गलत नहीं किया। प्रॉब्लम वाज कि जब नई करेंसी आई तो मिल ही नहीं पाई, तो पॉवर्टी क्रिएट हो गई। अगर सप्लाई ऑफ करेंसी इज वेरी सेंट्रलाइज्ड और वो पावर किसी एक बंदे के हाथ में होगी, तो वो सारा पैसा वो रख लेगा, दैट्स हाउ पॉवर्टी इज बीइंग क्रिएटेड। क्रिप्टो करेंसी मेक्स ऑल रन बाय मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जिसकी वजह से ये वाली चीज हम लोग कैटर कर रहे हैं। हाइपर इन्फ्लेशन अगेन वेनेजुएला एंड जिम्बाब्वे, हाइपर इन्फ्लेशन इज के चीजों का रेट का एकदम से बढ़ जाना। वेनेजुएला में देयर वाज अ सिनेरियो, देयर वाज अ टाइम पीरियड ऑफ 28 डेज जब डेली कॉफी के मग के प्राइस डबल होते। इमेजिन द कियोस्क, जब आप डेली उठ के जा रहे हैं, आज $10 की कॉफी, कल $20 की, परसों $30 की, डेली डबल हो, डरावना लगता है लाइक लिटरली। तो हाइपर इन्फ्लेशन इज अ रियलिटी इन वेनेजुएला। वेनेजुएला में आप देखिए, वेनेजुएला में द केस इज कि गवर्नमेंट पुलिसिंग इज रेड, वहां पे पुलिसिंग इज नॉट वर्किंग एनी मोर। आप लोफ ऑफ ब्रेड, आप एक ब्रेड का पैकेट लेकर जाते हैं एंड द मॉब विल अटैक यू फॉर दैट पैकेट ऑफ ब्रेड, एंड वेनेजुएला इज ऑयल रिच कंट्री, तब भी उनके साथ ये हो रहा है। अनइक्वल पेचेक, इंडिया में हमारा जो ऑन एवरेज हमारा जो वीकली पे आउट है, यूएस में वो कितना है, आर्ली पे आउट। हम इन्फोसिस, आप कितने लोग इन्फोसिस के बारे में जानते हैं, कितने जॉब करें इन्फोसिस में, नहीं इन्फोसिस कंपनी में। तो जो मेरे करंट सीटीओ इज फ्रॉम इन्फोसिस, तो ही सेड कि इन्फोसिस इंडिया और इन्फोसिस यूएस में सेम पोजीशन सेम काम के लिए सैलरी का डिफरेंस 15 times। अगर यहां पे दे आर पेइंग 20,000 तो मेरे पे 3 lakh इन यूएस सेम काम के। तो अनइक्वल पेचेक्स का रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कि आपको जब भी पेमेंट मिलती है तो आपको लोकलाइज्ड करेंसीज में मिलती है। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स अराउंड हियर
तो अगर आप लोगों को सर अगर आप स्टडी ऑनलाइन तो आप अगर वहाँ की यूनिवर्सिटी सैलरी वहाँ के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं तो आपको एक इंटरनेशनल अगर पेमेंट सिस्टम होगा तो कोई भी कहीं पर भी पढ़ा पाएगा, कोई भी कहीं पर भी काम कर पाएगा। एंड एक स्टैंडर्ड करेंसी में अगर पे आउट होगा तो अनइक्वल पेचेक्स होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें भी 3 लाख दो, मैं कह रहा हूँ डेढ़ दो उनको भी डेढ़ दो हमें भी डेढ़ दो, क्या गलत है उसमें?